जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, तो मैं विराट चौधरी आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो है CRPF पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर बनाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो बोलते हैं कि सर आप SSGD पे ही लगातार वीडियो बना रहे कॉन्स्टेबल के लिए, तो ट्रेडमेंट्स के लिए भी एक वीडियो बना दीजिए जो पैरामेडिकल से कॉन्स्टेबल GD जो ट्रेड में लगने वाले सफाई कर्मचारी हो, कुक हो, धोबी, बारबर, मोची या वाटर कैनन, इनमें जो लगने वाले हैं सर, इनकी ड्यूटीज़ कैसी होती है, इनकी सर्विस कैसी होती है, इनमें प्रमोशन कैसे होता है, इनकी सैलरी कितनी होती है और इनमें प्रमोशन होता है या नहीं होता है, किस हिसाब से इनके प्रमोशन होते हैं, किस प्रकार की इनकी ड्यूटी होती है, तो ये पूरा का पूरा वीडियो इनके लिए जो इनमें फॉर्म भर रखे हैं और इनमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दोस्तों साथ ही बता दूं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैथ और रीजनिंग के लिए मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी, जिस पर आने वाले एक दो दिनों में मैथ और रीजनिंग की क्लास शुरू होने वाली है, तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दूंगा, साथ ही वो मेरे चैनल के साथ अटैच भी है और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इन सभी जो ट्रेड है इनमें सबसे अच्छा ट्रेड कौन सा है, आपके लिए बेटर ट्रेड कौन सा, आपको जो ट्रेड अगर आप जाना चाहते हो तो कौन से ट्रेड में आपको जाना चाहिए। तो दोस्तों इनमें से आपको नॉर्मली तो सभी ट्रेड की ड्यूटीज़ पता है कि क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, लेकिन वो किस प्रकार से होती है वो शायद आपको नहीं पता होगा। जैसे कुक आपको पता है कि खाना बनाता है, लेकिन क्या मतलब किस प्रकार से ड्यूटी करता है कुक, या उसकी नाइट ड्यूटी लगती है नहीं लगती, क्योंकि कुक के भी CTGD यानी कॉन्स्टेबल GD या सिपाही लिखा जाता है, तो क्या वो मोर्चे में ड्यूटी भी करता है या वेपन कहीं बाहर ड्यूटी भी जाता है, तो ये इस बारे में आपको शायद अभी तक जानकारी नहीं है। तो मैं आपको इन सभी ट्रेड के बारे में बताने वाला हूँ कि इनकी कैसी ड्यूटी होती है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुक से, और हाँ बता दूँ अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुक से। तो कुक की जो ड्यूटी होती है, आपने सुना ही होगा कि कुक खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए अलग अलग, जैसे एक तो जवानों का खाना बनाते हैं, एक सब इंस्पेक्टर जो SOs मेज होते हैं उसमें खाना बनाते हैं, ये अदर रैंक्स का हो गया, एक SOs मेज है उसमें खाना बनाते हैं, कुछ कुक गजेटेड ऑफिसर का जो मेज होता है GOs मेज जिसको बोलते हैं उसमें खाना बनाते हैं, लेकिन उनका काम केवल खाना बनाना ही रहता है, इसके अलावा वो और कोई ड्यूटी नहीं करते हैं, यानी वो मोर्चा ड्यूटी या बाहर ड्यूटी में नहीं जाते दोस्तों। उनका सिर्फ काम जवानों का खाना बनाना। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या कितने कुक एक साथ काम करते हैं या कैसे, तो वो डिपेंड करते हैं कि कितने लोग खाने वाले, जैसे अगर एक ही मेस में खाने वाले 200-300 लोग हैं तो उनके कितने लिए सफिशिएंट कुक खाना बना सकते हैं, उतने कुक होते हैं, किसी एक ही कुक को इतना काम नहीं दिया जाता है। तो अगर आप कुक ट्रेड से आते हो तो ट्रेनिंग में ही आपको खाना बनाना सिखा देते हैं, सब कुछ कैसे आपको खाना बनाना है, रोटी बनाना, सब कुछ चावल बनाना, सभी प्रकार की डिश बनाना सिखा देते हैं दोस्तों। तो अब इसमें भी जिसकी जितनी काबिलियत है वो उसी प्रकार से काम करता है। तो एक तो जो मेस अदर मेस में काम करते हैं, कुछ SOs मेस में और कुछ GOs मेस में काम करते हैं दोस्तों, तो इन तीन प्रकार की ड्यूटियाँ कुक करते हैं। इसके अलावा खाना बनाने के अलावा और कोई भी ड्यूटी उनकी नहीं लगती है, वो कोई नाइट ड्यूटी या डे ड्यूटी नहीं करते हैं, केवल खाना बनाने का काम करते हैं। अब सफाई कर्मचारी की अगर हम बात करें तो आपको पता ही, सफाई कर्मचारी का तो आपको पता ही सफाई का काम करता है, लेकिन किस प्रकार से काम करता है, जैसे बटालियन हो गए या ग्रुप सेंटर हो गए, जैसे नॉर्मल जो साफ़ सफाई होती है कैंप की, तो उसमें काम करते हैं। तो इसमें आपको एक तो ट्रेड को हल्के में लेना नहीं चाहिए कि भाई ये बहुत ही गलत काम है, ऐसा कुछ छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता, चाहे वो सिपाही है, चाहे कॉन्स्टेबल है, चाहे आप घर परिवार में रहते हो, तो सफाई सभी को नहीं होती है, और अधिकतर यूनिटों में सफाई कर्मचारी के साथ में जो वहाँ के जो कॉन्स्टेबल या सिपाही होते हैं या जवान होते हैं वो ज़रूर उनके साथ में साफ़ सफाई करवाते हैं और साफ़ सफाई करते हैं, तो कोई भी ट्रेड छोटा नहीं होता है। कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर हमारा सफाई कर्मचारी में नंबर आया या गांव में कुछ ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर फौज में ऐसा कुछ नहीं माना जाता, सभी ट्रेड या सभी जवान है वो जवान ही माने जाते हैं और सभी काम करते हैं, इसीलिए CTGD लिखा ट्रेड हटा के और CTGD नहीं सिपाही GD लिखा गया है ट्रेडमैनों को भी, क्योंकि सभी का समान अधिकार, जो सफाई कर्मचारी जो सफाई करता है वो नॉर्मल सफाई जवान भी करते हैं अपनी लाइन में, जैसे बेड के नीचे या बाहर की, और वो ग्राउंड की सफाई, जैसे ग्राउंड में नॉर्मल जो कचरा वतरा होता है उनकी सफाई करते हैं, वही ड्यूटी रहते हैं, उसके अलावा वो कोई भी नई ड्यूटी नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर कोई आपको ऐसा डिमोटिवेट कर रहा था वो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है, सभी जवान आप किसी से भी बात कर लेना, साफ सफाई सभी करते हैं उनके साथ मिलकर, तो ऐसा किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद में अगर धोबी, तो लॉन्ड्री में जो सरकारी जो सामान होते हैं वो धोता है, कईयों को लगता है कि किसी कपड़े धोता है, ऐसा नहीं है, जो लॉन्ड्री के जो सामान होते हैं सरकारी जो चीज़ें होती है, कोई टेबल का कपड़ा वपड़ा ऐसा हो गया, या जवानों की वर्दी का प्रेस करने का काम होता है, मेन जो काम होता है वो जवानों की वर्दी के प्रेस, जो जवानों की वर्दी हो गई या ऑफिसर्स की वर्दी हो गई, इन सभी की जो वर्दियों की जो प्रेस करते हैं 26 जनवरी या और भी रेगुलर ड्यूटी में, तो धोबी के ये काम होते हैं। इसके अलावा
मोर्चा ड्यूटी या इस प्रकार की ड्यूटी नहीं करते हैं। मोची का काम आपको पता ही है कि जो बड़ी बड़ी कोई सिलाई करते हैं या कोई जैसे कोई सरकारी चीज़ें जब बनाते हैं फौज में, जो कल्चर प्रोग्राम होते हैं या ऐसे कोई प्रोग्राम होते हैं या कुछ भी ऐसी प्रकार की चीज़ जिनमें सिलाई का काम पड़ता है, हाथ से सिलाई या इस प्रकार की, तो उन सिलाइयों में मोची करते हैं। टेलर का काम आपको पता ही है, जो वर्दियाँ सिलना है, जो जवानों की वर्दी सिलते हैं, साथ में जो सरकारी जो कुछ मान लो कल्चर प्रोग्राम के लिए ड्रेसें हुई या इस प्रकार के और भी कुछ ऐसी ड्रेसें, टेबल का कवर ये सिलना होता है, तो ये काम टेलर करते हैं। तो इनमें से कोई भी ट्रेड का काम ज़्यादा हार्ड नहीं है और सभी ट्रेड अच्छे हैं। इसके अलावा जो वाटर कैनन है वो आपको पता ही होगा, वाटर कैनन जो वाटर के जो ग्रुप सेंटर होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर वाटर ओपन करना नहीं करना, वो पानी चलाना, ये छोटे मोटे काम मालिक का आपको काम पता ही है। फूलों का बागान देखना, वहाँ अच्छे अच्छे फूल लगाना ताकि कैंप अच्छा लगे, सुंदर लगे, तो ये काम करते हैं माली। तो अगर इसमें कोई ट्रेड, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ट्रेड में और क्या क्या इसके अलावा और कोई ड्यूटी होती, नहीं। अब इनके प्रमोशन कैसे होते हैं, इनकी सैलरी कैसे बढ़ती, इसके बारे में तो दोस्तों बता दूँ, जिस प्रकार से जवान की, चाहे वो एसओ जो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे जीओ जो, सभी की सैलरी बढ़ने का जो तरीका होता है वो सेम सा ही होता है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता है। तो जो ट्रेड है और एक सिपाही जवान है, उनकी सैलरी एक हिसाब से बढ़ती है और एक साथ ही सैलरी बढ़ती है, लेकिन फ़र्क इतना सा है कि ट्रेड में प्रमोशन नहीं मिलता। अगर कोई ट्रेड से जैसे सफाई कर्मचारी है या कुक है या धोबी, मोची, बार्बर, बार्बर का आपको मैंने बताया नहीं, तो बार्बर का भी बता दूँ, वो हेयर कटिंग करना है, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। नॉर्मल जो हेयर कटिंग करते हैं हमारी, वो बार्बर उस्ताद करते हैं, तो बस हेयर कटिंग करना है। इसको इसमें कोई गलत, या आपको अगर कोई ट्रेड को नीचा बोलता है तो ये बहुत ही गलत बात है, कोई ट्रेड नीचा नहीं होता। और फौज में आपको कोई ऐसी फील नहीं होती कभी भी कि आप कोई ट्रेड में काम करते हो, क्योंकि सभी भाइयों की तरह रहते हैं और ऐसा कुछ भी 1% भी नहीं है। अगर आपको कोई डिमोटिवेट करता है तो वो बहुत ही गलत है, आप उसको जवाब दे सकते हो दोस्तों, ये वीडियो देखे या दिखा सकते हो। तो इसके अलावा जो फ़र्क है वो है प्रमोशन का, जो ट्रेड में होते हैं उनका प्रमोशन, जो इन ट्रेडों में होते हैं इनका प्रमोशन नहीं होता। जैसे सिपाही से हवलदार, हवलदार से एएसआई, एएसआई से एसआई, एसआई से इंस्पेक्टर, इस प्रकार से ये नहीं बनते। लेकिन इनकी पे पेमेंट एक सिपाही के, जितनी एक सिपाही की पेमेंट बढ़ती है उतनी ही इनकी पेमेंट बढ़ती है। जैसे सालाना एक सिपाही का एक साल का एक इंक्रीमेंट और दो डीए लगते हैं एक साल में, तो इनके भी एक साल में एक इंक्रीमेंट और दो डीए लगते हैं दोस्तों। उसी प्रकार जब 5 साल बाद में इनकी सैलरी जिस हिसाब से बढ़ती है उसकी भी उसी हिसाब से बढ़ती है। जब वेतन आयोग से जितनी वर्दी सिपाही की, जवान की या अदर रैंक्स की होती है, उसी प्रकार से ट्रेड की वेतन वृद्धि होती है। जो बड़ा फ़र्क है वो यही है कि ट्रेड्स में प्रमोशन नहीं होता और बाकी जो अदर रैंक्स हैं उनमें प्रमोशन होता है एक टाइम के बाद में, जब वो टाइम आता है। जैसे हवलदार बन जाता है, हवलदार से फिर एएसआई, एएसआई से एसआई और एसआई से इंस्पेक्टर, इस प्रकार से प्रमोशन होता है। लेकिन ट्रेड में जैसे आप अगर कुक भर्ती होते हो तो आप कुक से ही रिटायरमेंट हो गए, अगर आप सफाई कर्मचारी से भर्ती हो तो आप सफाई कर्मचारी से ही रिटायरमेंट होंगे। तो इस प्रकार से आप जिस ट्रेड में भर्ती होते हो तो उसी ट्रेड में ही काम करके फिर आपको रिटायरमेंट। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर ट्रेड वाले कमांडो बन सकते हैं, तो बाहर जो कमांडो टीमें होती हैं उनमें भी ट्रेड्स वाले जाते हैं, लेकिन हाँ स्पेशली कोई कमांडो नहीं बनते ट्रेड्स वाले। हाँ लेकिन जो ट्रेड्स में है, जैसे अभी कोबरा है तो वहाँ पे भी ट्रेड्समैन की ज़रूरत होती है, कुक तो वहाँ पे भी खाना बनाते हैं, तो उन कमांडोज में ज़रूर जाते हैं दोस्तों। सब जगह कुक की तो ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई कुक ट्रेड में है तो, ये तो है नहीं कि कोबरा में या कमांडो बनते हैं वहाँ पर कोई काम नहीं करते, कुक तो वहाँ पर भी कुक ही जाते हैं, तो वैसे कमांडोज फोर्स में जाते हैं ट्रेड भी। बाकी यही एक फ़र्क है कि प्रमोशन का, इसके अलावा कोई भी फ़र्क नहीं है दोस्तों, और कोई भी जॉब छोटी नहीं है। अगर आप ट्रेड में भी जाना चाहो तो ज़रूर फॉर्म अप्लाई कर देना, अभी जो वैकेंसी आ रखी है वो तो आ गई, अगली जब वैकेंसी आए तो ज़रूर आप जा सकते हो उसमें। जय हिंद, जय भारत।